रामाय राम भद्राय श्री रामाय शरणम् मम सच्चिदानंद रूपाय जगदाधाराय नमो नमः। भगवान श्री राम जी की कृपा से जो सारी जगत के आत्मा है, एकमात्र आत्मा है, जिनकी चेतना से अनंत आकाश गंगाएं संचालित हैं, जिनके रोम रोम में अनंत ब्रह्मांडों का निवास है, जिनके विस्तार को दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक आज भी नहीं जान पाया, जिन्हें ऋषि मुनि नारद शेष गणेश कोई भी संपूर्णता से नहीं जानता उनकी महिमा को, ऐसे भगवान के गुणानुवाद और उनके ज्ञान का हमें वाल्मीकि रामायण के रूप में अवसर मिल रहा है। आज ये दूसरा प्रवचन है इसकी भूमिका का, और हम आपको इस बात से अवगत कराएंगे कि वास्तव में जो वाल्मीकि रामायण है, ये वाल्मीकि रामायण की बहुआयामी संपन्नता कैसी है। अभी तक हमने पहले प्रवचन में आपको वाल्मीकि रामायण के बारे में बताया। अब आप देखिए कि जो वाल्मीकि रामायण की दार्शनिकता है वो किस तत्व पर टिकी हुई है। वाल्मीकि रामायण की जो दार्शनिकता है वो तप पर टिकी हुई है। तप यानी त प, त यानी वह तत्व रूप से सारे संसार में मौजूद परमात्मा, प यानी उसे प्राप्त करने की जो भी क्रियाविधि होती है उसको जानकर संसार की माया से मुक्त होने की जो भी क्रियाविधि होती है उसको तप कहते हैं। तप का भारत के आध्यात्मिक जगत में बड़ा महत्व है। ये बात अलग है कि कालांतर में दूषित बुद्धि वाले अहंकारी और अपने मत मतांतर चलाने वाले लोगों ने तप की मनमानी व्याख्या कर दी, और उससे हमारे भारत में तप के नाम पर कई प्रकार के ढोंग आडंबर दिखावे ये चल पड़े। लेकिन यह वाल्मीकि रामायण इस बात को हटाकर और सत्य का, तप के सत्य अर्थ का निरूपण करती है। जब भगवान वाल्मीकि, इसे कल बताया कि जब भगवान वाल्मीकि को सप्तऋषियों ने यथार्थ का बोध कराया, सत्य का परिचय कराया, तब उन्होंने भगवान श्री राम यानी रमयंती इति रामा, जो राम सारे जगत के कण कण में व्याप्त हैं, उस राम तत्व को जानने के लिए उनसे प्रार्थना शुरू की, और उन्होंने मरा मरा के संयोग से, मरा मरा के संयोजन से राम राम का उच्चारण किया, और उसके बाद उन्हें ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। तो भगवान वाल्मीकि के महान होने और उनके इस महाकाव्य के प्रथम काव्य की रचना जो कविता के रूप में प्रस्फुटित हुई, उसके पीछे अगर कोई छुपा हुआ कारण है तो वाल्मीकि ऋषि का तप ही है। इसलिए कहा है, तप स्वाध्याय निरतम,
तपस्वी वांग विदावरम। इस काव्य का प्रारंभ तप से होता है, यानी तपस्वी शब्द के द्वारा वाल्मीकि ऋषि ने अपना स्वयं का परिचय दे दिया। इसलिए हमारे सनातन धर्म में तप को बहुत अच्छा माना जाता है और तपस्वियों का सम्मान किया जाता है, यहां तक कि वो दिखावे के लिए भी तपस्या करते हैं तो भी समाज उनका सम्मान करता है। तप के द्वारा ही जब ब्रह्मा जी ने उनको साक्षात दर्शन दिए और ऐसे दर्शन दिए कि जब भी वाल्मीकि ऋषि ब्रह्मा जी का आह्वान करते थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते थे। वैसे तो रामचरितमानस में भी तप की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की गई है, लेकिन अभी हम वाल्मीकि रामायण पर ही सांद्रित करेंगे, नहीं तो रामचरितमानस में भी बहुत सारी तप के बारे में छुपाइयां आई हैं। तो रामायण की जो काव्य शैली है और रामायण की जो काव्यात्मकता है वो बड़ी दिव्य है। दिव्य का मतलब जो संसार में कहीं नहीं मिल सकती उसको दिव्य कहते हैं, यानी वह देवत्व से आती है। और देव का मतलब कौन है? परमात्मा है। इंद्र, वायु, अग्नि, इनको हमने परमात्मा की विभिन्न शक्तियों के रूप में देव का दर्जा दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो देव तो एक ही है और वो है परमात्मा, उसको कहते हैं परम देव। अब विश्वामित्र के विचित्र तप का वर्णन इस वाल्मीकि रामायण में आया है और गंगा जी के आगमन में, गंगा जी को लाने में जो भगीरथ ने तप किया और भगवान भगीरथ के पूर्वजों ने जो तप किया उसका भी वर्णन इसमें आया है। और चूली ऋषि हुए, चूली ऋषि की तपस्या का वर्णन भी आया है और भगवान भृगु की तपस्या का भी वर्णन आया है। आपको स्मरण होगा भृगु वो थे जिन्होंने भगवान विष्णु के बक्षस्थल पर लात मारी थी। एक कथा है, मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो इनके जो जितने मतांतर थे और जितने भी स्वर्ग आदि लोक हैं उन सब लोकों में जाने की अगर कोई क्षमता किसी को प्राप्त होती है तो तप से ही होती है। कोई राजा बनता है तो कहते हैं कि तपेश्वरी सो राजेश्वरी, जो तप करता है वही राजा बनता है। और फिर ये भी कहा है कि राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, जो राजा बनता है उसको नरक में भी जाना हो सकता है। क्यों? कि राजा बनकर जीना एक तलवार की धार पर चलने के समान होता है, क्योंकि राजा बनने से अहंकार बहुत ज्यादा आ जाता है और अहंकार में आदमी क्या नहीं करता। जैसे परीक्षित ने ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया था, वो क्यों डाल दिया था? वो राजा के होने के अहंकार के वश डाल दिया। तो इसमें ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों ने ही तप किया उसका वर्णन आया। इसमें रावण ने जो तप किया और उससे जो सुख शक्ति आयु आदि प्राप्त की वो भी तप के कारण प्राप्त की। भगवान श्री राम के व्यक्तित्व के बारे में वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि भगवान शुद्ध तपस्वी थे। अगर तपस्वी नहीं होते तो 14 वर्ष वन में कंदमूल फल खाकर जमीन पर शयन करके, भूमि पर शयन करके, गर्मी सर्दी बरसात से अपने शरीर पर सहन करके भगवान कैसे रह सकते थे? भगवान के जीवन से भी तप का ही संदेश है।
अपने शिष्य जो हैं वो छोटी छोटी तकलीफों में घबरा जाते हैं, गुरु जी हमारी सहायता करो, प्रार्थना करो, आशीर्वाद दो। नहीं, घबराना नहीं, ये तप है। जब भगवान ने इस तप को किया, कष्टों को तप के रूप में स्वीकार किया, तो हमें भी करना चाहिए। अब देखिए, तप के बारे में यदि बातचीत हो रही है तो वाल्मीकि रामायण में तप के विभाग बताए, यानी प्रकार बताए हैं। एक वैखानक, एक वालखिल्य, ये तपस्वियों के नाम है। वैखानक तपस्वी के नाम है, वालखिल्य तपस्वी के नाम है, संप्रक्षाल तपस्वी के नाम है, मरिचिप तपस्वी के नाम है। मरिचिप का मतलब होता है जो केवल चंद्रमा की किरण को पीकर ही जीता है। पत्राचारी, ये तपस्वी का नाम है, पत्ते खाकर ही जीते हैं। उन्मंजक, वो हमेशा गले तक पानी में डूबकर तपस्या करने वाले तपस्वियों के बारे में कहा है। पंचाग्नि से भी, पांच अग्नियों के बीच में बैठकर तपस्या करने वालों को कहा है। वायु भक्षी, केवल वायु पीकर ही जीने वालों को वायु भक्षी तपस्वी कहा है। जल भक्षी, केवल जल ही पीते और कुछ नहीं। स्थंडिल शाही, उनको कहा है जो लेट कर तपस्या करते हैं। और आकाश शालीन, शालीन नहीं, जो कि आकाश की तरफ मुंह करके परमात्मा की प्रार्थना तपस्या करते हैं। ऊर्ध्ववासी, जो पर्वत पर, शिखर पर, वृक्ष पर, मचान पर रहने वाले, इनको ऊर्ध्ववासी कहते हैं। जैसे देवराहा बाबा, आपने नाम सुना होगा। ये तपस्वियों का वर्णन आया है। ये सभी तपस्वी जो हैं वो परमात्मा के जप में लीन थे। अब जप शब्द का भी बड़ा दुरुपयोग किया है, माला से जपने लगे, मन से जपने लगे, श्वास से जपने लगे, ऐसा नहीं है। जग मतलब है जागना, प यानी परमात्मा, परमात्मा में जागने का जो मार्ग है, प्रयास है सद्गुरु के मार्गदर्शन में, उसको जप कहते हैं। अब अरण्यकांड का छठवे सर्ग में इसका वर्णन आया है। और भगवान श्री राम का जो मंत्र है, मनत्र, यानी मन को तृण तृण कर देने वाला, इसको कहते हैं मंत्र। मंत्र की समाप्ति, मन की समाप्ति हो और मंत्र के द्वारा हम परमात्मा के सहज स्वरूप में अपने आप को प्रवेश करा सके, है ना। इसलिए इसमें जो अधिकांश लोग हैं वो श्री राम को देखते ही और योग अग्नि में अपना शरीर छोड़ देते हैं। इसके पीछे भी एक गूढ़ रहस्य है। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो गया तो फिर इस मलमूत्र, हड्डी मांस के बदबूदार थैले में कौन रहना चाहेगा? केवल वो ही रुकते हैं जिनको भगवान आदेश देते हैं कि तुम्हें संसार में ये काम करना है। 1998 8 अगस्त को मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया, लेकिन मेरे गुरु महाराज की आज्ञा और भगवान शिव की कृपा, उनकी इच्छा से आप लोगों को जगाने के लिए मैं अब इस शरीर में मौजूद हूँ। और जिस मेरे शिष्य मुझे कहते हैं, गुरु जी नहीं जाना, नहीं जाना, हाँ अगर तुम मुझे रोकना ही चाहते हो तो तुम ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करो। अब मुझे लगेगा कि तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहे हो, मुझे लगेगा कि संसार में मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, तो भगवान मुझे कह देंगे कि भाई अब आपका काम पूरा हो गया, वापस। तो इस प्रकार से जो ऋषि मुनियों ने जब भगवान का दर्शन किया तो उन्होंने अपना शरीर योग अग्नि में समाप्त कर दिया, क्योंकि अब उनके लिए इससे बड़ा कोई काम बचा नहीं। और जिसके लिए वो तपस्या कर रहे थे वो फल उन्हें प्राप्त हो गया। तपस्या का फल परमात्मा है। तपस्या का फल कोई रावण की तरह नहीं है,
के राज्य प्राप्त कर लो। तपस्या का फल कोई कुंभकर्ण की तरह नहीं है कि इंद्रासन की जगह निंद्रासन बोल दिया। तपस्या का फल कोई मेघनाथ जैसे मूर्ख के लिए नहीं है। तो ये तपस्या का है। तो ये वाल्मीकि जी का ये दार्शनिक उपदेश है, उसका जो मूल तत्व है उसको पवित्रता पूर्वक जीवन कैसे जिया जाए, और यही पवित्रता पूर्वक जो जीवन जीता है वही व्यक्ति तप कर सकता है, अपवित्र व्यक्ति तप नहीं कर सकता। ईश्वर की आराधना के लिए पवित्रता से जीना अनिवार्य है, और जिनको हम अधर्म कहते हैं इन अधर्मों से दूर रहना अनिवार्य है। इसलिए सनातन धर्म को ही धर्म कहा है, और दुनिया के बाकी धर्म धर्म नहीं है, वो संप्रदाय हैं, अपने मनमाने ढंग से नियम कानून बना लिए हैं, और उसको उन्होंने ताकत के दम पर धर्म की मान्यता खुद दे दी है। लेकिन सूरज को मान्यता कोई दूसरा नहीं देता है। सूरज जब चमकता है तो लोग कहते हाँ ये सूरज है। ऐसे ही बिना पवित्रता के, बिना शुचिता के, बिना ईश्वर की आराधना और मानव मात्र से प्रेम करने के बिना आप अधर्म से दूर नहीं हो सकते। और आपको ये सब प्राप्त करना है तो आपको साक्षी का ध्यान करना अनिवार्य है। अब इसी वाल्मीकि रामायण में कई जगह पर भगवान पारब्रह्म परमात्मा है इसके बारे में बहुत सारे श्लोक हैं। इन श्लोकों का आप देखेंगे तो बालकांड में 15 से 18, अयोध्या में 1 से 7, सुंदरकांड में 25, 27, 31, 51, युद्धकांड में 59, 110, 95, 25, ये इसमें और भी हैं। अब ये लंबा विषय हो जाएगा तो सुस्पष्ट ब्रह्म शब्द का उत्तर कांड के 8वें, 25वें और 91वें श्लोक में बताया गया है। और बंग तथा पश्चिमी शाखा में भी ये श्लोक है इस रामायण के, और कहीं तो इससे भी ज्यादा है। हजारों वचनों में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम कि ईश्वरता सर्वत्र दिखाई देती है। और अगर अपन बहुत गंभीरता से वाल्मीकि रामायण के बारे में चिंतन करेंगे तो भगवान की ईश्वरता, भगवान की पार ब्रह्मता वाल्मीकि रामायण के प्रत्येक श्लोक में आपको परिलक्षित हो जाएगी। श्री राम की अचिंत शक्तिमत्ता और लोकोत्तर धर्म प्रियता, आश्रय वसलता और ईश्वरता का प्रतिपादन आपको लगभग हर श्लोक में दिखेगा। शब्द थोड़े क्लिष्ट हैं, समझने जैसे हैं। ईश्वर कौन होता है, ईश्वर के क्या गुण धर्म है, ये आप भगवान राम के जीवन को देखकर जान सकते हैं। उसका कोई आप चिंतन नहीं कर सकते, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे है। अचिंत्यता, शक्तिमत्ता, उनमें इतनी शक्ति है कि कहीं हो नहीं सकती। जब हम मैं आगे प्रवचन दूंगा तो आपको भगवान की शक्ति के बारे में विशेष रूप से बताऊंगा, उनके युद्ध के समय में बताऊंगा कि उनको कितने वाण लगे लेकिन वो बिल्कुल अडिग रहे। और लोकोत्तर प्रियता, इस लोक में नहीं बल्कि परलोक में और जितने भी लोक हैं सब में उनको लोग उतना ही प्रिय मानते हैं। आश्रय वसलता, मतलब जो उनके शरण में आ गया उनने उसको कभी नहीं त्याजा, चाहे वो विभीषण हो, चाहे वो बाली हो, चाहे वो जटायु हो, चाहे मां शबरी हो, चाहे सुतीक्षण हो, वो कभी शरणागत को कभी नहीं तजते। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आपसे कुछ ना बने तो भगवान की शरण में ही चले जाओ। भगवान मैं आपकी शरण में हूं, ऐसा बार बार कहा करो, दिन में 10-20 बार
भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, और भगवान की शरण में जो जाता है ना, भगवान उसको सब प्रकार से उसकी देखरेख करते हैं। भगवान ने गीता में जो बात कही है, योग क्षेम बहाम हम, मैं उनका योग और क्षेम स्वयं बहन करता हूँ। मैंने तो जीवन में ऐसा ही अनुभव आया है। अब ये जो ईश्वरता जो भगवान की है, वो अब आपको समझ में थोड़ी थोड़ी आई होगी, क्योंकि भगवान के अलावा इस जगत के अंदर जीवों का मालिक कोई है नहीं। आपके अंदर जो जीवन है वो परमात्मा का दिया हुआ है, आपका ये शरीर है वो परमात्मा का दिया हुआ है, आपकी जो वाणी है वो परमात्मा का दी हुई है, आप जो श्वास ले रहे हैं वो परमात्मा की कृपा से है, आप जीवित हैं वो परमात्मा की कृपा से, और आप उसी आधार, उसी अधिष्ठान, उस सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः, उस धारण करने वाले परमात्मा की आश्रय में ही सारा जगत। आप तो क्या पूरा सूर्य चंद्र और जितने भी तारा मंडल हैं, आकाश गंगा हैं, वो सब भगवान के ही आश्रय में हैं। तो भगवान की जो शक्तिशाली है और जो महानता है, और वो सच्चे मार्ग पर आरूढ़ हो रहे जीवन में, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम तो कहा ही है। इसके बारे में वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, किमत्र चित्तम धर्मज्ञ लोकनाथ शिखामणे यत् त्वामार्थ प्रभाशेष्ट्रा सत्यवान सत्पथे स्थितः। वो जो है भगवान, वो ही लोकों के नाथ हैं, वो ही शिखा मणे हैं, मतलब चोटी की सर्वोच्चता है उनमें, जैसे शिखा में मणि लगाई जाती है चोटी में। यत् सर्वार्थ प्रभाषेणा, और वही सभी जगह प्रकाशित हैं और प्रकाशित करने वाले हैं, इंद्रियों के भी वही प्रकाशक हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार के भी वो भी प्रकाशक हैं, ज्ञान और अज्ञान के ही वो प्रकाशक हैं, माया और ब्रह्म के ही वो प्रकाशक हैं। ऐसी कोई चीज नहीं जो भगवान से प्रकाशित न हो। भगवान सब जानते हैं, लेकिन भगवान को बहुत बहुत कम लोग जान पाते हैं। दीन बंधु दयालु, दीनों के नाथ। तो हनुमान जी जो है सीता जी के सामने और रावण के सामने जो भगवान के गुणानुवाद गा रहे थे, उन गुणानुवाद में आपको भगवान की भगवत्ता का बोध होता है। हनुमान जी कह रहे थे रावण से के मूर्ख तू जरा समझ, जो निमिष मात्र में पूरे संसार को विलय कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, और दूसरे ही पल में उसको वैसा का वैसा खड़ा कर सकते हैं, वो है भगवान श्री राम, जो अपने अहंकार का दंभ भरने वाले भक्तों को मूर्ख बना के करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले, सदगुरु का नाम धारण करने वाले, क्या उनके पास एक कण मात्र भी ऐसी कोई ताकत है? नहीं है। ये सिर्फ भगवान के अलावा और किसी में नहीं, और जिसमें भगवत्ता भगवान प्रकट करते हैं उनके काम के लिए उसमें। तो क्या कहा गया है, हनुमान जी ने कैसे कहा कि सत्यम राक्षस राजेन्द्र शुणुव्य वचनं मम रामदासस्य दूतस्य वानरस्य विशेषता। कि मैं सत्य कह रहा हूं, हे राक्षसों के राजा, मेरे वचन को सुन ले, पछताएगा। रामदासस्य, मैं राम जी का दास हूं, दास बनने में जो आनंद है वो मालिक बनने में नहीं। मालिक बने फिर
क्या हो, तो उस रूप में हो गए, फिर खत्म बात हो गई। परमात्मा की भक्ति का जो आनंद है, जो दास बनने में मस्ती आती है, कृपा मिलती है, करुणा मिलती है उनकी, उनकी दयालु की, उसका जो अनुभव आता है जिंदगी में, उससे बढ़ के दुनिया में कोई नहीं। हनुमान जी कैसे कि सुनो रावण, मैं भगवान श्री राम का दास हूं, मेरी बात को सुन ले है राक्षसों के राजा, तू अपने को राजा समझता है लेकिन तू अच्छे लोगों का राजा नहीं है, तू राक्षसों का राजा है। जैसे कहते ना कि गधों का सम्राट है ना, गधों का राजा गधा ही होगा ना। मैं राम जी का दास हूं और मेरे अंदर ये विशेष रूप से क्या है कि मैं उनका दूत बनकर भी आया हूं और भाई मैं वानर कुल में मेरा जन्म है। सर्वालोकान सुहृदस्य सभूतान सचराचरान पुनरेव यथा सृष्टुं शक्तो रामो महायशः। उन्हीं में वो ताकत है, इस सारे लोगों को एक चुटकी भर में नष्ट कर सकते हैं और दूसरे चुटकी भर में वो उसको उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसा होता भी तो है ना भाइयों, जब महाप्रलय का काल आता है 1000 चौकड़ी वर्ष के बाद, मतलब 4000 युगों के बाद, वर्ष नहीं युग, 4000 युगों के बाद प्रलय का काल आता है, तो सारी सृष्टि जो है ब्रह्मा जी के संकल्प विकल्प नष्ट वैसे हो जाते हैं जैसे तुम ध्यान करते हो, तो तुम्हारे संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं और तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हो। ऐसे ब्रह्मा जी अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं और वो सृष्टि को बनाने और मिटाने का जो संकल्प समाप्त हो जाता है, फिर 1000 चौकड़ी युगों तक प्रलय की अवस्था रहती है, ना वहां जीवन होता है, कुछ नहीं होता है वहां। ये क्या जानेंगे इस बात को। मैं अपने मुंह से ऐसे इनके शब्द अब विधर्मियों के बारे में नहीं बोलूंगा, इसमें वाल्मीकि रामायण में नहीं बोलूंगा। तो मित्रों, जो भगवान वाल्मीकि थे वो भगवान राम तत्व के ही उपासक थे और इस बात की सिद्धि आत्मा अध्यात्म रामायण में है, अयोध्या कांड में है, आनंद रामायण में है, राज्य कांड 14 में है, स्कंद पुराण में है और तुलसीदास जी ने तो इसकी बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। भगवान वाल्मीकि को अनेक रिद्धि सिद्धि थी लेकिन उन्होंने उस रिद्धि सिद्धि का कोई ज्यादा उपयोग नहीं किया। छोटी सी बात आपको मालूम हो जाएगी कि लव और कुश का, तो कुश से उन्होंने लव खो गए थे, तो कुश से उन्होंने वैसे के वैसा एक बालक बना दिया था लव और कुश। और आपको आगे भी पता चलेगा कि जब भगवान राम वाल्मीकि जी के आश्रम में आए थे, उन्होंने कौन कौन से अस्त्र शस्त्र उनको दिए थे, ये भी आगे आएगा और नाम सहित आएगा, वर्णन सहित आएगा। तो भगवान वाल्मीकि जो है वो कंदमूल फल खाकर वन में रहकर और भगवान श्री राम के गुणानुवाद और उनके राम तत्व में लीन रहने वाले आत्मज्ञानी संत थे और उनने एक योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ भी लिखा है। भगवान वाल्मीकि का ही है ये योग वशिष्ठ, में जो उनकी वाल्मीकि रामायण के बाद दूसरी रचना है, उन्होंने बहुत गुप्त रूप से भगवान श्री राम का विस्तृत चित्र गाया। वैसे भगवान के जो प्रेम की मधुरता है और उनकी जो गूढ़ता है वो तो देवताओं में भी प्रसिद्ध है और तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, हे भगवान मैं तुम्हारे चरणों को छोड़कर कहां जा सकता हूं। तो परोक्ष प्रिया इव ही देवा प्रत्यक्ष दिशा, ये ऐतरेय उपनिषद में 1/3/14 और बृहदारण्यक उपनिषद में 4/2/2 यानी ये बात केवल वाल्मीकि रामायण में ही नहीं बल्कि हमारे
अनेक पवित्र ब्रह्म ज्ञान के ग्रंथों में भी मिलेगी। तो महर्षि की ये जो वर्णन प्रणाली है वो उसमें बहुत गुड़ प्रेम भरा हुआ है, उसमें प्रेम भरा हुआ है। जो साधक हैं, परमात्मा के प्रेमी हैं, वो इसको जानते हैं और इसकी सैकड़ों व्याख्याएं अभी तक छप चुकी हैं, एक दो नहीं सैकड़ों। और एक एक व्याख्या को लिखने वाला एक एक महापुरुष ऐसा है कि आप मुंह में उंगली दबा कर रह जाओगे, इतना विलक्षण पवित्र दिव्य ब्रह्मवेत्ता सदगुरु ऐसे महान लोगों ने इसकी व्याख्या लिखी है। जो जो है अब वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर हमें समय इस बारे में नहीं मिलेगा कि वाल्मीकि ऋषि का जो आश्रम है उसके बारे में बताएंगे। जो अभी क्या हुआ कि हजारों लाखों साल हो गए तो लोग तो अभी यही भूल गए कि मुजफ्फरनगर का नाम क्या था। यही लोग भूल गए कि केदारनाथ के ऊपर जहां से वो जलाशय टूटा था और 25,000 लोग मरे थे उसका नाम इन्होंने गांधी सागर रख दिया था, उसका नाम कुबेर ताल था। ये भूल गए कि मिथिला का क्या नाम था, कैकई देश का क्या नाम, क्या कौन सा स्थान था। सब कुछ मिटा दिया गया क्योंकि हम लोगों ने हमारी धर्म संस्कृति की रक्षा नहीं की। तो वाल्मीकि रामायण में हमें यह पता लगता है कि वाल्मीकि ऋषि का आश्रम भारत में कहां कहां था। अब इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्यों कि अरबों वर्षों का जो इतिहास है हमारे इस देश का, अरबों वर्षों का, भाई साहब मैं क्षमा चाहता हूं, ये 10,000 साल पुराना देश नहीं, ये 10,00,000 साल पुराना देश नहीं, ये 1 करोड़ वर्ष पुराना देश नहीं, ये 10 करोड़ वर्ष पुराना देश नहीं, ये अरबों वर्ष पुराना देश है। क्यों कि एक चौकड़ी युग में ही एक चार बार युग, जो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये 4 बार निकल जाते हैं। तो भागवत में इन युगों के वर्णन के बारे में, इनकी समय अवधि के वर्णन के बारे में आप पढ़ लीजिए। एक चौकड़ी युग में ही बहुत हजार साल होते हैं, लाखों साल होते हैं। तो ऐसे 1,000 चौकड़ी युग में कितने अरबों साल होंगे, उस अरबों साल का इतिहास है और इतिहास हमारे पास कंप्लीट और व्यवस्थित और शानदार तरीके से था। लेकिन हम लोगों ने उसकी रक्षा की फिक्र नहीं की, रक्षा को आवश्यक नहीं समझा, इसलिए वो इतिहास हमारा 1,000 वर्ष से भारत पर हुए आक्रमणों में नष्ट हो गया और थोड़ा बहुत इतिहास 18 पुराणों में बचा। तो लोग उसकी निंदा करते हैं कि गपोड़ा है, मुझसे प्राणों का अर्थ सुनो, तुम मुझसे सुनो, मैं बताऊंगा ये इतिहास है। अब इतिहास को लोगों ने क्या किया, ओवरलैपिंग कर दिया, गड्ढ मड्ढ कर दिया, जैसे कि मिक्सर में कोई चीज डाली जाती है और उसको गड्ढ मड्ढ किया जाता है तो उसकी जो मूल जो उसके इंग्रेडिएंट है वो आपको ढूंढना मुश्किल हो जाते हैं। ऐसे इतिहास को गड्ढ मड्ढ कर दिया और अब पुराणों को कहते हैं कि गपोड़ा है। नहीं, पुराण गपोड़ा नहीं है, पुराण हमारा इतिहास है। अगर शरीर को समय मिला, जैसे आज वाल्मीकि रामायण पे बोल रहा हूं, तो मैं इसके इतिहास के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जो अस्तित्व है मुझे नीर क्षीर विवेक देकर सत्य और असत्य का अलग अलग पृथक्करण करने की क्षमता दे देता है। तो अपन कहें इतिहास की एक परिभाषा एक श्लोक में आई है और यह विष्णु धर्म के तीसरे अध्याय के तीसरे कांड के 15वें अध्याय का पहला ही श्लोक है। धर्मार्थ काम मोक्षाणामुपदेश समन्वितम् पूर्ववृत्तम् कथायुक्तम् मितिहासम् प्रचक्षणे। यानी
विस्तार पूर्वक और लंबे समय दीर्घकालिक विश्व का जो इतिहास है वो कैसा है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म काम मोक्ष सभी प्रकार की व्याख्या और सभी प्रकार का उसमें उपदेश है, उसका समन्वय है, इक्विलिब्रियम है, संतुलन है। और पूर्ववृत्तम पुरानी घटनाओं को, पुराने समय की बातों को, पुराने समय के सत्य को कथा के माध्यम से जो प्रकट करने की विधा है, मितिहासम यह इतिहास है। म इति धन मितिहासम, इति धन इतिहासम प्रचक्षणे प्रचक्षते 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 मतलब कहा गया है, दर्शित किया गया है, प्रकट किया गया है। तो विस्तृत और दीर्घकालीन विश्व का जो इतिहास है वो रामायण और महाभारत की भांति हो सकता है, क्यों, ये दोनों ही काव्य के रूप में लिखे गए हैं। और धर्म अर्थ लोक व्यवहार परलोक सुख की दृष्टि से वही लाभकर सिद्ध हो सकते हैं। चलिए अब अपन कहेंगे कि वाल्मीकि जी का आश्रम कहां, तो इस विषय पर भूगोल पर बहुत अनुसंधान हुआ। एक कल्याण का रामायण अंक आया, कनिंघम की एक कनिंघम करके उन्होंने एंशियंट डिक्शनरी करके एक ग्रंथ लिखा। श्री देके नाम के एक व्यक्ति थे, उन्हें ज्योग्राफिकल डिक्शनरी लिखी। ऐसे बहुत से अनुसंधान हुए, कई लोगों ने अपने लेख लिखे स्वतंत्र रूप से। और लंदन की जो एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल है, आप लोग लंदन विदेशी जो कहे तो ही मानते हो, आप हिंदुस्तानी कहे तो नहीं मानते हो, घर का जोगी जोगड़ा रहता है, आन गांव का सिद्ध होता है। आपको अभी भी कोई विदेश से कोई अनुसंधान हो, रिसर्च हो, तो उसको तुरंत मान लेते हो। भारत में किसी ने रिसर्च की तो 50,000 आदमी उसका विरोध करने खड़े हो जाते हो, यानी आपकी आदत है। इसीलिए तो विदेशी सामान के गुलाम हो गए हो आपके आप में क्रेज इस तरह का है। तो जो लंदन की सोसाइटी थी, एशियाटिक सोसाइटी जनरल, इसमें एक महत्वपूर्ण लेख छपा, उसमें वाल्मीकि जी के आश्रम के बारे में बताया। पंडित गिरीश चंद्र करके हुए, उन्होंने एक वेद धरातल नाम की पुस्तक लिखी और लंका पर कई प्रकार के प्रबंध लिखे गए। सर्वेश्वर ने एक लेखमाला में लंका के विषय में लिखा। और वाल्मीकि ऋषि के ने भी इसके बारे में वर्णन लिखा है अपने आश्रम के बारे में। और कौशाम्बी प्रयाग से 14 मील दक्षिण पश्चिम में कोसम नाम का गांव है और वहां वाल्मीकि का आश्रम माना गया है। और धर्मारण्य जो आज गया कहलाता है, किसी को नहीं मालूम कि गया का नाम धर्मारण्य था, नहीं मालूम, क्यों कि आपकी जो शिक्षा दीक्षा आपकी पढ़ाई लिखाई सब पे कालिक पोत दी गई, बिल्कुल। तो धर्मारण्य नाम का जो स्थान जो गया कहलाता है वहां भी वाल्मीकि ऋषि का आश्रम माना गया है, क्योंकि ऋषियों के आश्रम एक जगह नहीं होते, जैसे मौसम के अनुकूल, समय के अनुकूल, सत्संग के लिए, अपने शिष्यों को ज्ञान देने के लिए ऋषि जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो महोदय नगर, जिसको कुशनाभ की कन्याओं के कारण कानकुब्ज कहा गया है, क्योंकि कुशनाभ की जो कन्या थी, राजा कुशनाभ की कन्या थी, उनको कुब्ज हो गया था। कुब्ज यानी जानते हो कुबड़, इसलिए उसको कानकुब्ज। फिर इसी कानकुब्ज नगर को कन्नौज कहने लगे, जहां का इत्र मशहूर है। और राजगिरी का नाम आपने सुना होगा, जो ब्रजगिरी के नाम से मशहूर था, वो बिहार में है। और इसी तरह से मलतकारुष आरा जिले के उत्तरी भाग में, और के देश जो है जिसको गजनी कहते हैं, कुछ झेलम नदी के किनारे और कोकना के किनारे इसको कहते हैं। और वाल्मीकि रामायण के बालकांड में
दो तीन और चार में जो है तमसा नदी पर वाल्मीकि जी का आश्रम बताया गया है। तमसा उस नदी से भिन्न है, अलग है, जिसका उल्लेख गंगा के उत्तर में अयोध्या के दक्षिण में मिलता है। वाल्मीकि जी का आश्रम जो है प्रयाग से 20 मील दक्षिण में भी बताया गया है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ऋषि मुनि जो है प्रवास करते रहते थे। वाल्मीकि का आश्रम प्रयाग में, प्रयाग और झांसी रोड है, वहां राजापुर मानिकपुर रोड के संगम पर बताया गया है। और तुलसीदास जी वाल्मीकि जी के आश्रम को बारीपुर दिगपुर के बीच में बताते हैं। तो दिगपुरा के बीच में सीतामढ़ी है, सीतामढ़ी वहां भी वाल्मीकि के आश्रम को बताते हैं। कानपुर में बिठूर को भी वाल्मीकि आश्रम माना गया है। और कटक तीर्थ और गोविंदाचार्य शिरोमणि इन्होंने समाधान करते हुए लिखा है कि ये जो मैं कह रहा हूं कि ऋषि प्राय घूमते हैं, और श्री राम के वनवास के समय वाल्मीकि जी का आश्रम चित्रकूट के पास था, राज्यारोहण के समय वो बिठूर में गंगा तट पर रहते थे। और सब कुल मिला के अगर कोई कंक्लूजन होता है आश्रम का, तो वाल्मीकि जी का आश्रम बिठूर में ही सिद्ध होता है। अब आपने ये तो देख लिया, अब हम आपको कहें कि इस वाल्मीकि रामायण में राजनीति और मनोविज्ञान का भी बड़ा अच्छा चित्रण है। इसमें राजनीति और मनोविज्ञान का चित्रण कैसा है? जब आप विभीषण के आने पर विभिन्न बानर सेनापतियों के उद्गार सुनेंगे और विभीषण के बारे में कहेंगे, वो लोग कहते हैं, कोई कहता है कि ये उल्लू की तरह कौओं का नाश कर देगा, कोई कहता है ये जासूस बन के आया है, कोई कहता है राक्षस पे भरोसा नहीं कर सकते, कोई कहता है इस पे गुप्तचर लगा दो। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि नहीं, ये तो अपने सामने ही रह रहे हैं, गुप्तचर तो उस पे लगाते हैं जो दूर रहता है, और यदि ये कुछ गड़बड़ करेंगे तो आप तो पूरी तरह समर्थ हो। तो इस प्रकार से रामायण में राजनीति का वर्णन कैसा आया है कि कैसे अपने शत्रुओं के मित्र को अपना बनाकर और धर्म की जीत और अधर्म का कैसे नाश किया जाए। भगवान हनुमान जी जब लंका गए और उन्होंने सब प्रकार का जो लीला की वहां, और वहां उन्होंने जो रावण की सेनाओं और उनके साधनों को नष्ट किया, लंका को जलाया, अनेकानेक वीर राक्षसों को मार दिया, रावण का सारा रहस्य और राज ले लिया, यह गुप्तचरी विद्या भी राजनीति विज्ञान में वाल्मीकि रामायण में अपन देखते हैं। अब मनोविज्ञान भी इसमें आया है। मनोविज्ञान में कैसा आया है, किससे कैसे बात करना, सीता जी से कैसे बात करना, रावण से कैसे बात करना, मेघनाथ से कैसे बात करना, भरत से कैसे बात की हनुमान जी ने, भगवान के सामने कैसा व्यवहार किया हनुमान जी ने, भगवान जी ने सुग्रीव से कैसे बात की, सुग्रीव ने राम जी से कैसे बात की, राम जी ने अपने सखाओं से कैसे बात की, यह सारी जो चीजें हैं इसको देखने पर मनोविज्ञान दिखता है कि हम किसके मन को पढ़कर किस प्रकार का व्यवहार करें ताकि वो व्यक्ति हमारा प्रेम भी ना तोड़े और हम उस व्यक्ति का कोई अहित भी ना करें। इसलिए तो भगवान हनुमान जी को कहा है बुद्धिमताम वरिष्ठम। भगवान हनुमान जी बुद्धिमानों में सबसे ज्यादा बड़े बुद्धिमान थे। अब ये जो वाल्मीकि रामायण है, ये भगवान का तन है, शरीर है, जैसे श्रीमद् भागवत के बारे में कहा कि वो कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण का शरीर है। शरीर होने का मतलब क्या है, ये आपको इतना ज्ञान दे सकती है जैसा साक्षात भगवान राम दे सकते थे। तो इस रामायण के बारे में एक बात और इतिहास सिद्ध करता है कि जब तुलसी रामायण नहीं थी, कंबु रामायण नहीं थी, आध्यात्म रामायण नहीं थी, राधेश्याम रामायण नहीं थी, जब सबसे पहले यही वाल्मीकि रामायण थी, तब महाभारत काल में यादव लोग, भगवान श्री कृष्ण के वंशज लोग,
रामायण का नाटक किया करते थे और रामायण के नाटक में उन्होंने बहुत सारे उपनाटक भी बनाए हुए थे। और इसी रामायण के श्लोकों के माध्यम से, जैसे अभी रामलीला होती ना तुलसी रामायण के उस पर, ऐसे इसी रामायण के श्लोकों पर नाटकों का मंचन हुआ करता था। उसमें से कुछ नाम मैं बता सकता हूँ आपको, जैसे हनुमत नाटकम, प्रसन्न राघव नाटक, अनर्थ राघव नाटक, महानाटक, बाल रामायण नाटक, बाल लीलाओं के बारे में, लंका कांड में युद्ध के बारे में, और जो है नलकुबर एक बन जाते, प्रद्युम्न नलकुबर बन जाते थे, शाम में विदूषक बन जाते थे, शूर नाम के यादव जो है रावण का नाटक खेल रहे थे, और इसी तरह इसीलिए कहा गया है खेलो तहां बालकन मीला, करो सदा रघुनायक लीला। भगवान की लीला करने से, भगवान के गुणानुवाद गाने से, भगवान के इस रामचरित्र का मंचन करने से, इससे अपन भी शुद्ध होते हैं और दूसरे लोग भी शुद्ध होते हैं। अब इतना ही नहीं, ये जो वाल्मीकि रामायण है, इस कथा का प्रचार बाली द्वीप में, अनेक द्वीपों में हुआ। आज भी तुम चले जाओ तो तुम्हें इंडोनेशिया में और एयरपोर्ट पर समुद्र मंथन की मूर्ति, बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। अभी चले जाओ इंडोनेशिया के रुपए पे गणेश जी का चित्र मिलेगा आपको। तो धन्य है इंडोनेशिया के लोग जिन्होंने इस्लाम आने के बाद भी अपनी संस्कृति और राम को नहीं छोड़ा। शिव सागर राम गुलाम वहां के राष्ट्रपति का पहले नाम रहा है। तो भारत में इसके चार पार्ट प्रचलित हैं। एक तो पश्चिमोत्तर शाखा जहां लाहौर में 1931 में एक संस्करण वाल्मीकि रामायण का छपा, बंग शाखा यानी बंगाल में गौरिशिया का संस्करण छपा, दक्षिण संस्करण में गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बंबई का तीन टीका वाला संस्करण, तीन खंड वाला, मध्य ब्लास्ट बुक डिपो कुंभकोणम जो साउथ में है, दक्षिण में है, वहां इसका संस्करण छपा, उत्तर भारत में कश्मीरी संस्करण छपा। ये कहते कश्मीर, अरे कश्मीर में वाल्मीकि रामायण का संस्करण छपा था, है ना। और दक्षिणात्य औदिच्य संस्करण तो सर्वथा एक ही है, इसमें केवल नाम मात्र का भी अंतर नहीं है। पश्चिम पूर्व वाले अध्यायों का थोड़ा अंतर है, उनमें कोई संस्कृत टीका नहीं मिलती। बंग शाकीय पर केवल एक लोकनाथ चरित मनोरमा टीका मिलती है, दक्षिण में टीका नहीं मिलती। और इसके लिए ये जो दक्षिणात्य संस्करण है औदिच्य, वो भी वहीं का है दक्षिण का, इससे प्रमाणित होता है कि लाहौर से लेकर और तिरुवनंतपुरम तक और द्वारका से लेकर तो म्यांमार यानी बर्मा तक, इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, अंडमान निकोबार, अफगानिस्तान, यमन, कतर, सब दूर इस वाल्मीकि रामायण का हजारों वर्ष पहले प्रचार प्रसार था। कोई कहता है कि भाई तुम्हारे इस्लाम के और बौद्ध धर्म के आने के पहले बताओ कौन सा धर्म था। भैया धर्म तो दुनिया में एक ही है, भोजन तो केवल मुंह से ही खाया जाता है, कान से तो कोई भोजन करता नहीं। इसलिए सनातन धर्म का मूल ही सारे सारे धर्मों का प्राकट्य है, और आपने अपनी सुविधा से और अपने अपने संप्रदाय बना लिए, आप धर्म से विचलित हो गए हो, इसलिए आप दुखी हो। तो भगवान वाल्मीकि जी के इस रामायण का ये प्रवचन आज यहीं पर पूरा होता है, और हम भगवान के बारे में कहेंगे, भगवान राम के बारे में कहेंगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम जी के पवित्र चरणों में, मैया सीता के पवित्र चरणों में पूरी श्रद्धा और पूरी संपूर्णता से प्रणाम करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि ये वाल्मीकि रामायण के सत्य विवेचन की शक्ति मेरी जिह्वा को दे,
और मैं इसको संसार के लिए देकर जाऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। सतगुरु भगवान की जय। शिवोहम।